गई गलती, कुछ तो घुमाती है कोच जी को, वहां गलती नहीं करते। आज तक लाइफ में मेरे लिए कोई लड़ा नहीं है पहले सर जी। तो जी मेरे लिए तो हो गई मेरी वो। और जो ना चाहे उसे मिटा देता था। तो फाइनली दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर चल रही सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म डंकी जहां रुकने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की मच अवेटेड फिल्म सलार और सलार भी दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म डंकी के चार दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जानने वाले हैं दोस्तों की इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो आज कितनी रही है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आज कितने करोड़ की कमाई कर रही है। वहीं दोस्तों बात करने वाले हैं फिल्म सलार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में जो कि आज 3 दिन पूरे कर रही है और आज अपने तीसरे दिन इस फिल्म की एडवांस कितनी रही है और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म आज क्या कमाल कर रही है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी शाहरुख खान और सुपरस्टार प्रभास के डाहट फैन से इनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं शाहरुख खान की फिल्म डंकी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में जो कि दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल रिलीज होने वाली वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म थी। और दोस्तों इस फिल्म के लीड में आपको शाहरुख खान के अलावा तापसी पन्नू, विक्की कौशल और बमन ईरानी नजर आए हैं। राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों इस फिल्म से हम सभी को काफी उम्मीदें थी और यही वजह है कि इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच में काफी अच्छा बज बनता हुआ देखा गया। अपने पहले ही दिन दोस्तों इस फिल्म को 4000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और 21 दिसंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म ने जहां अपने पहले दिन तो 29,50,00,000 रुपए से बड़ी ओपनिंग लेकर दिखा दिया कि दोस्तों सुपरस्टार शाहरुख खान किसी भी जेनर में एक बड़ी ब्लॉकबस्टर ओपनिंग दे सकते हैं। तो वहीं दोस्तों अपने दूसरे और तीसरे दिन के कलेक्शंस भी इस फिल्म के काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड करने में कामयाब रहे। दोस्तों बताते चले आपको कि शाहरुख खान की 2.5 घंटे की फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता नजर आ रहा है। हालांकि दोस्तों क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज दिए गए हैं, लेकिन दोस्तों शाहरुख खान के फैंस और फैमिली ऑडियंस इस फिल्म को एंजॉय कर रही है जिसमें आपको कॉमेडी, ड्रामा, इमोशन और पेट्रियटिज्म का तड़का देखने को मिलने वाला है। सुपरस्टार शाहरुख खान की इस फिल्म ने ऑडियंस का दिल जीता। यही वजह रही दोस्तों कि अपने दूसरे दिन सलार से मिल रहे कंपटीशन के बावजूद भी इस फिल्म ने 20 करोड़ रुपए की कमाई की। तो वहीं दोस्तों अपने तीसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शंस में लगभग 30% की ग्रोथ देखी गई और यही वजह है कि इस फिल्म ने दोस्तों अपने तीसरे दिन 26 करोड़ रुपए की कमाई करने में कामयाब रही। इन 3 दिनों में दोस्तों इस फिल्म का सिर्फ इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 75 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका था, लेकिन अगर बात जाए वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म इन 3 ही दिनों में 160 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी थी। सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म को ऑडियंस हिंदी ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर पसंद करती है। यही वजह है दोस्तों कि ओवरसीज में भी इस फिल्म ने 3 दिनों में एक बड़ी ओपनिंग ली। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म की आज अपने 4th दिन की तो दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म की आज की जो एडवांस बुकिंग है वो ही इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 12,60,00,000 रुपए की है, जिसमें दोस्तों इस फिल्म के 4,05,000 से ज्यादा टिकट एडवांस में ही बिक चुके हैं। इस फिल्म के पास आज टोटल 10,977 शो है और इन 10,977 शो में ये फिल्म आज अपने 4th दिन भी एक बार फिर से धमाकेदार ग्रोथ दिखाती हुई नजर आ रही है और आज की इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग से ही 35-38% की है। कल की दोस्तों इस फिल्म की एडवांस जहां 10 करोड़ की थी और इस फिल्म ने 26 करोड़ रुपए कमाए हैं, वहीं दोस्तों आज की इस फिल्म की जो एडवांस है वो 12,60,00,000 रुपए की और ये फिल्म आज लगभग 30 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से टच करती हुई नजर आ रही है। में दोस्तों इस फिल्म का 4 दिनों का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 105 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म का कलेक्शन 220 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुका होगा। तो वहीं दोस्तों इस फिल्म का जो बजट है वो मात्र 85 करोड़ का है। ऐसे में दोस्तों ये फिल्म अपने बजट से 3 गुना ज्यादा कमाई इंडियन बॉक्स ऑफिस और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी होगी। दोस्तों बताते चले आपको कि सुपरस्टार शाहरुख खान की इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के आंकड़े को पार करते ही इस साल की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा दिया है। अभी भी दोस्तों इस हफ्ते नया साल है और क्रिसमस का वीकेंड है। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर अपने इस वीकेंड में भी कई सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाली है और बॉक्स ऑफिस पर इस साल की एक और ब्लॉकबस्टर शाहरुख खान के लिए बनने वाली है। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर फिल्म
सलार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसके लीड में आपको पैन इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार प्रभास, श्रुति हसन, पृथ्वीराज सुकुमारन और जगपति बाबू नजर आए हैं। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें आपको वायलेंस ही वायलेंस देखने को मिलने वाला है। सुपरस्टार प्रभास का स्वैग और उनका एक्शन ऑडियंस का दिल जीत रहा है। तो वही दोस्तों इस फिल्म की कहानी आपको सेकेंड पार्ट के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड कर देती है। बता दे चले दोस्तों आपको कि लगभग 200 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे कि बॉक्स ऑफिस पर 22 दिसंबर को 4,500 स्क्रीन पर हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज किया गया था। अपने पहले ही दिन दोस्तों इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक ओपनिंग ली और दोस्तों बॉलीवुड इतिहास के तो सभी रिकॉर्ड्स को इस फिल्म ने तोड़ दिया। लेकिन दोस्तों इंडियन सिनेमा के इतिहास के थर्ड ओपनर बनते हुए केजीएफ चैप्टर 2 के भी पहले दिन को इस फिल्म ने पीछे कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चलें कि इस फिल्म ने दोस्तों जहां अपने पहले ही दिन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 178 करोड़ 70 लाख रुपए की शानदार ओपनिंग ली है, जो कि एक तरह से इंडियन हिस्ट्री की थर्ड बिगेस्ट ओपनिंग है बाहुबली और ट्रिपल आर के बाद। तो वहीं दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से जिस तरह के आउटस्टैंडिंग रिव्यूज मिल रहे हैं, यह फिल्म दोस्तों अपने दूसरे और आज अपने तीसरे दिन भी हिस्टोरिकल कमाई करती हुई नजर आ रही है। अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के 3 दिनों के हिंदी और इंडियन बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म ने जहां हिंदी बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 16 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली, तो वहीं दोस्तों अपने दूसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शंस में स्लाइटली ग्रोथ देखी गई और इस फिल्म ने 19 करोड़ रुपए कमाए हैं। आज अपने तीसरे दिन भी दोस्तों इस फिल्म की हिंदी में जो एडवांस बुकिंग है वो लगभग 7.5 करोड़ रुपए की है। ये फिल्म दोस्तों मॉर्निंग से ही हिंदी में भी आज काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी हासिल कर रही है और लगभग 28 से 32% की ऑक्यूपेंसी के साथ हिंदी में भी आज के दिन लगभग 24 करोड़ रुपए के आंकड़े वो टच कर रही है। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का 3 ही दिनों का हिंदी बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वो लगभग 59 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। बात की जाए ऑल इंडिया की, तो दोस्तों ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने जहां अपने पहले दिन 115 करोड़ रुपए कमाए, अपने दूसरे दिन 96 करोड़ रुपए कमाए, तो वहीं दोस्तों ये फिल्म आज अपने तीसरे दिन भी लगभग 90 करोड़ रुपए के आंकड़े को ऑल इंडिया ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर टच कर रही है। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का 3 दिनों का ऑल इंडिया ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 300 करोड़ से ज्यादा का हो चुका होगा। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने जहाँ अपने पहले ही दिन 178 करोड़ 70 लाख रुपए की ओपनिंग ली, तो वहीं दोस्तों अपने दूसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शंस 135 करोड़ रुपए के रहे। लेकिन दोस्तों ये फिल्म आज अपने तीसरे दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर हिस्टोरिकल ट्रेंड कर रही है और दोस्तों इस फिल्म के आज अपने तीसरे दिन के भी कलेक्शंस 120 करोड़ रुपए से ज्यादा आ रहे हैं। और दोस्तों ये फिल्म इन 3 ही दिनों में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 420 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी होगी और इंडियन सिनेमा के इतिहास की थर्ड बिगेस्ट ओपनर दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर बन चुकी होगी। दोस्तों बताते चले आपको कि सलार हिंदी ही नहीं बल्कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा हर भाषा में नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है। साथ ही साथ दोस्तों इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रॉसर सिर्फ अपने 3 ही दिनों में बन चुकी है। आज के कंपैरिजन की बात की जाए तो दोस्तों आज जहां डंकी की एडवांस बुकिंग 12 करोड़ 60 लाख रुपए की थी, तो वहीं दोस्तों सलार की एडवांस बुकिंग सभी भाषाओं में 26 करोड़ रुपए की है। यह फिल्म दोस्तों आज जहां ऑल ओवर इंडिया से 90 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है, तो वहीं दोस्तों डंकी आज ऑल ओवर इंडिया से लगभग 34 करोड़ रुपए की ग्रॉस कमाई कर रही है। ऐसे में दोस्तों सलार इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर हिस्टोरिकल ट्रेंड कर रही है और दोस्तों उम्मीदें हैं कि सलार अगर इसी तरह की कमाई करती रही तो दुनिया भर में 1,000 करोड़ी फिल्म बनेगी। तो वहीं दोस्तों डंकी भी अगर इसी तरह की कमाई करती रही तो 500 करोड़ के क्लब में तो आसानी से शामिल हो जाएगी। आपको दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों में कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।